नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे उड़द की कचौड़ियाँ। उड़द की कचौड़ियाँ पनीर की सब्जी या किसी भी सब्जी के साथ आप आराम से खा सकते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने इसके लिए 3 कप आटा लेंगे। और 1 कप मैदा। 3 कप आटा और हमने 1 कप मैदा लिया है। और हम इसमें जो है वो उड़द की दाल, जो कि मैंने 1.5 कप ली है भिंगो के, उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। तो मैंने 1.5 कप उड़द की दाल को रात को भिगो के सुबह मैंने, या फिर आप इसको 4 घंटे भिंगो के इस्तेमाल कर सकते हैं पीस के। नमक हम लेंगे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि कचौड़ियाँ सब्जियों के साथ खाई जाती है तो उसमें ऑलरेडी नमक होता है। हमने 1/2 चम्मच जो है वो कलौजी ली है, यानी मंगरैल, और 1/2 चम्मच जो है हम अजवाइन का डालेंगे। ये हमने बड़ा 1/2 चम्मच लिया है, बड़ा 1/2 चम्मच अजवाइन। अब हम इसमें 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अगर आप देसी घी खाते हैं तो आप उसको डाल लीजिए। 1 कप से थोड़ा सा कम हम दही लेंगे, यानी 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही डालेंगे और उसके बाद हम इसे गूंथना स्टार्ट करेंगे। आपके पास अगर दही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पानी से ही खाली गूंथ लीजिए, क्योंकि दही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ दही डालने से आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों ये आटा हमारा लगभग गूंद चला है, हल्का सा ऑयल डाल के ऊपर से थोड़ा सा हम और इसे मार लेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो है वो उड़द की दाल में तो पानी खुद ही होता है, तो इसलिए जब भी दही डाल के आप गूंथिए तो आप थोड़ा थोड़ा दही डाल के गूंथिए, वरना फिर ये गीला होने का डर रहेगा। तो मेरी इतने आटे में जो है वो 1 कप से भी कम मेरी जो है वो दही लगी है। तो फिर बस अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो तैयार है ये हमारा कचौड़ी का आटा। हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे और हम इसे बेलेंगे। आपके पास मेहमान आ गए, कुछ आपको बनाने का न सोचे कि पूड़ी आप सादा नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप गर्म पानी में 2 घंटे उड़द की दाल को भिंगो के फिर आप पीस के आराम से बना सकते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपको बहुत देर तक आटा अगर आपका ज्यादा हो गया, बच गया, तो आप फ्रिज में तुरंत उठा के रख दीजिए या फिर आप पूरा इस्तेमाल कर लीजिए, वरना दही की वजह से इसमें ज्यादा खट्टापन आने का डर रहेगा। तो हमने ये पूड़ियाँ बेल ली हैं। अब हमने पहले से ही कढ़ाई को गर्म करके रखा हुआ है रिफाइंड ऑयल डाल के। आप घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर बस हम इसे तलना स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑलिव ऑयल गर्म हो गया है तो नीम कचौड़ियों को डालेंगे अपनी। दोस्तों उड़द की पीठी भर के, यानी उड़द की भरवा कचौड़ियाँ अगर आप नहीं बना पा रहे फटाफट जल्दी में, तो ये बहुत ही सरल और आसान तरीका है कचौड़ियों को खाने का उड़द की। गैस की फ्लेम तेज करने के बाद हम जो है वो मीडियम कर लेंगे। अब हम अपनी पूड़ियों को ऐसे ही सारी तल लेंगे और हम इसे किचन टॉवल पेपर में निकाल लेंगे आराम से। तो हमने इसे तल के निकाल लिया है, तो आप ऐसे ही सारी कचौड़ियों को अपने तल लीजिए।
बहुत ही फुली फुली हमारी ये कचौड़ियाँ बनी हैं, आप इसे एक बार जरूर जरूर ट्राई करिए। तो दोस्तों तैयार है ये हमारी उड़द की कचौड़ी, आप इसे एक बार जरूर जरूर ट्राई करिए, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और पनीर की सब्जी के साथ खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगती है। तो फिर आप इसे बनाइए और खाइए और ज़रूर बताइए कि ये कैसा बना है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।